सो गाइस लेके आया हूँ काफ़ी कमाल की चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल यहाँ पर होने वाली है। अभी तक गाइस आप जो पोछा लगाते होंगे ना, वो मे भी हो सकता है कपड़े इसको बाल्टी में डुबो के फिर निचोड़ के पोछा लगाते होंगे, बट ये यहाँ पर है क्विक स्पिन मॉप, एक मॉडर्न पोछा है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपका यहाँ होने वाला है और साथ ही आपके बजट में आने वाला बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट है और कैसे यूज़ करना, कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ओपन कर लेते हैं। देखो तो गाइज बॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा से इन्होंने यहाँ पर बनाया, देखो क्या प्यारा बॉक्स है। ये मैंने अमेजोन से मंगाया, तो अनबॉक्स करते हैं। पहले तो पैकेजिंग तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त है। इस बॉक्स का यूज़ हम बाद में भी करने वाले हैं क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम ऐसा कर नहीं सकते किसी भी चीज़ को बेच जाने दें। खैर ये यूज़ और मैनुअल है कैसे इसको यूज़ करना है, बट मैं वीडियो में बता दूंगा, आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं जब मंगाएंगे। ऑलराइट, तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। तो गाइस ये है हमारा जो मॉडर्न पोचा है, या फिर कहें स्पिन मॉप भी इसको बोलते हैं। ऑलराइट, पॉली से निकालते हैं बाहर इसको। क्वालिटी की अगर बात करें, इसके फाइबर की क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है इस बजट में, और मुझे लगता है जल्दी से ख़राब नहीं होगी। ठीक है, ये इसका हैंडल है उठाने के लिए, लाइक दिस, इसको इस तरह से उठाया जाता है अगर उठाना है, जैसे कहीं मूव करना है। ऑलराइट, अभी इसमें फिर ये साइड में एक हैंडल भी दे दिया इस तरह से मूव करने के लिए, मतलब जैसे ट्रॉली बैग आते हैं ना कुछ इस तरह से, जैसे आपको इधर उधर मूव करना है इसको। ऑलराइट, तो क्योंकि टाइल्स पे मूव करना है, फर्श पे मूव करना, तो हो जाएगा आसानी से। हालांकि इसमें दो साइड, इसमें जो नीचे की तरफ है ना, देखो व्हील है गाइस इसमें, अभी मैं अनबॉक्स करूँगा पूरा दिखाऊंगा, दो व्हील दे रखे हैं इन्होंने, तो ऐसे में आप इसको मूव कर सकते हैं इस तरह से, ये जो हैंडल दिया हुआ। ठीक है, खैर एक टब है ये पूरा। अब इसके अंदर देखो क्या मिल जाता है, यहाँ पर ये वारंटी कार्ड हमें मिल जाता है, साथ में मिल जाते हैं यहाँ पर भाई दो पोंछे मिल जाते हैं जिनको अटैच करना पड़ेगा इसके साथ में। फाइनली हमारा आ चुका है जो पोंछा है बेसिकली, और इस तरह से है अभी त्रिछा है, जैसे बाय द वे आपको बेड बूट के नीचे लगाना है तो उस केस में आप इसको लगा पाएंगे, और इस तरह से सीधा भी हो जाता है ये, मतलब ये नया है, हार्ड है, या फिर कहें लॉक हो जाता है पूरी तरह से, इसको थोड़ा सा स्टिकली मतलब दबाना पड़ता है थोड़ा हार्ड करके, मतलब थोड़ा जान लगा के कुल मिला के। हालांकि इसमें हैंडल लगेगा, अभी मैं कंप्लीट सेटअप दिखाऊंगा। दो रोड इस तरह की आएंगे इसके साथ में। ऑलराइट, बेसिकली ये तीन रोड है, इनको निकालते हैं बाहर कैसे अटैच करना है। ये दोनों रोड आ चुकी है बाहर, ये टॉप की है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंपल है, ये सिंगल है, और दूसरा मेन रोड जो है, हालांकि दोनों ही मेन है, ये है नीचे की तरफ जो रहता है जो घूमता है, और यहाँ पर लॉक दिया हुआ है इसमें, ये आ जाता है बाहर इस तरह से। जब इसको प्रेस करते हैं ना ऐसे, तो क्या हुआ ये घूमते हुए जाता है, हालांकि मेरे हाथ पे ये प्रॉपर घूम नहीं पा रहा है क्योंकि व्हील नहीं है घूमने के लिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ से लॉक होता है और अनलॉक होता है इसी से। एक फाइबर को निकाल लेता हूँ, फाइबर की क्वालिटी तो यार काफ़ी ज़रूरत है, यहाँ पर दो मिले हैं। सो गाइस इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, किस प्राइस में मिलेगा ये बताऊंगा। खैर दो पोचेस के साथ में फ्री मिल जाते हैं इस तरह के, जो कि काफ़ी स्मूथ मुझे लग रहे हैं, और इन दोनों के भी अलग से लिंक मैं दे दूंगा अगर आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी है ख़त्म हो गया है तो उस केस में। अब देखो गाइस इसको अटैच किस तरह करना, ये सिंपल सा व्हील है ना, ये इसके अंदर इस तरह से लॉक हो जाएगा, बस इसको आप नीचे रख के भी ऐसे नीचे ग्राउंड पर रख के या फ्लोर पर रख के ऐसे दबा सकते हैं, बट मैं जैसे फिलहाल हाथ से लॉक करने वाला हूँ। ये लो, हो गया बड़े आसानी से लॉक। ऑलराइट, ये हो गया सिंपली। अब क्या करना है भाई, जो हैंडल है ना, हैंडल को लॉक करना है। चूड़िया बनी हुई इसमें, सिंपल ऐसे लगाएंगे और ऐसे घुमा देंगे इसको, और जहाँ तक घूमेगा केवल उतना घुमाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का सा टाइट हो जाए बस। अब यहाँ पर प्रॉपर लॉक हो चुका है, ये रोड इसके अंदर हमने कनेक्ट कर दी है। अब जो थर्ड वाली रोड है, बेसिकली दो रोड आती है इसके अंदर, ये थर्ड वाली इसके अंदर ही लगी होती है ऑलरेडी, तो इसको भी थ्रेड इसके अंदर फंसा देंगे, थ्रेड बने होते हैं इसके अंदर, लॉक कर देंगे इस तरह से, सिंपल चूड़ी होती है। और नाउ सिंपली इसको लॉक कर दिया जितना हो सकता है उतना, और इसको देखो अनलॉक करेंगे, बेसिकली इसको अनलॉक करेंगे। और मान लीजिए आपने इसके अंदर जो पानी भर दिया इस टब के अंदर, और देखो पानी कितना भरना है वो भी दिखा देता हूँ। पानी भरेंगे हम, इसमें दिखा रखा है इन्होंने मैक्सिमम वाटर लेवल यहाँ तक, यानी इसके ऑलमोस्ट आधे तक। तो बट आपने क्या करना, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और ऊपर रख सकते हैं, जितना कि मतलब पानी बाहर ना निकले, जहाँ पर इन्होंने मार्किंग की गई। बेसिकली हमें पोंछे को धोना होता है इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने देखो पोंछे को अनलॉक कर दिया है, सिंपली इस तरह से मुड़ जाता है ये, जिस डायरेक्शन में आपने करना हो उस हिसाब से। अभी देखो ये सिंपली मैंने अनलॉक कर रखा है यहाँ से ऊपर से, अब मैं इसको एक ऊपर रख के घुमाऊंगा। इसके अंदर ऑलरेडी एक और रोटेटर लगा हुआ है ये, जो कि बहुत फ्री घूमता है। इसके ऊपर रखना हमें इस पोचे को लेना, अनलॉक करने के बाद इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, इस तरह से, और सिंपली इसको ऐसे नीचे तरफ मैं पुश करूँगा ना, इसको ये घूमेगा, सीधा रखना इसके ऊपर इस तरह से, और ये इस तरह से घूमेगा, बहुत कम जान लगानी पड़ती, लिटिल बिट सी, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो इसके अंदर भीग चुका पूरी तरह से, या सेकंड टाइम कर रहे हैं तो धुल चुका है, उसके बाद रखेंगे हम इसको इसके ऊपर, इस पोचे को। जब इसके अंदर पानी रहेगा तो सारे नीचे की तरफ झुके रहेंगे और प्रॉपर इसके अंदर आ जाते हैं बास्केट के अंदर, इस तरह से रखेंगे।
और इसको भी दबाएंगे इस तरह से, तो ये स्पिन होगा यहाँ पर और इस पोचे का सारा पानी निकल जाएगा इसके अंदर। बेसिकली किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जैसे वॉशिंग मशीन का ड्रायर वर्क करता है ना, उसके अंदर छेद होते हैं ड्रायर के अंदर और वो बहुत स्पीड में घूमता है, ग्रेविटी के कारण जो सारा पानी बाहर निकल जाता है, सेम उसी तरह से इस पोचे के अंदर का भी सारा पानी बाहर निकल जाएगा और उसके बाद आप पोचा लगा सकते हैं। अब देखो लगाना कैसे, सिंपली आपने चाहे तो एंगल चेंज कर सकते हैं इस तरह से, मतलब इसको नीचे रख के ही, मैंने हाथ में पकड़ के दिखाया अभी, और बट उससे पहले जो इसको लॉक करना होता है हैंडल को ताकि घूमे ना। अब इससे आप चाहे जिस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, बेड के नीचे भी लगा सकते हैं, पूरा झुक जाता है इस तरह से, तो जहाँ पर आपके हाथ भी नहीं जाते ना वहाँ पर भी आप इससे जो पोछा लगा पाएंगे। तो इस मामले में काफ़ी ज़रूरत लगा। अब सिंपल इसका जो डेमो मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके, पानी ऐड करके कैसे मतलब यूज़ करना है इसको प्रॉपरली। सो गाइस इसको यूज़ करने के लिए हमने इसके अंदर जो पानी ऐड कर लिया, जहाँ तक मार्किंग है वहाँ तक कर लिया, या फिर कहीं मार्किंग अगर नहीं है तो ऑलमोस्ट हाफ तक या हाफ से थोड़ा ज़्यादा तक कर सकते हैं। अब सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे पास पोछा है वो, इसको देखो यहाँ से अनलॉक करेंगे, अनलॉक कर लेते हैं और सिंपली यहाँ रखेंगे इसके ऊपर, जहाँ पर ये रखने का इसमें अंदर, उसके ऊपर रखेंगे और इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, और प्रेस करेंगे ना जैसे, तो ये गोल गोल स्पिन होगा यहाँ पर, ठीक है, बड़ी आसानी से स्पिन हो जाता है। हल्का हल्का दबाएंगे इसको धीरे धीरे, ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत है नहीं बेसिकली इसमें, और तीन चार स्पिन में देखो अभी नया, तो ज़्यादा स्पिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक बार पोछा लगा लेते ना गंदा हो जाए तो उसके बाद ज़्यादा स्पिन करना चाहिए। और बगल वाले इस टब में रखेंगे यहाँ पर। अब देखो जैसे इसके अंदर पानी है तो सारे नीचे की तरफ है इसके अंदर, जैसे जो उससे पहले क्या हो रहा था कि वो बाहर की तरफ निकल जा रहे थे, अब नहीं है। अब सिंपली इसको यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से प्रेस करेंगे, सो गाइस मैं काफ़ी फास्ट इसको प्रेस कर रहा था ताकि बहुत स्पीड में घूमे और दूसरा स्ट्रेंथ भी चेक हो जाएगा, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। अब देखो गाइस यहाँ पर ना इसके अंदर का जो पूरा पानी ड्राई हो चुका, ऑलमोस्ट उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस प्रिंसिपल पे जो वॉशिंग मशीन करती है। अब सिंपली क्या करें गाइस, ये जो लॉक है ना इसको लॉक कर देना, अब टाइम है पोछा लगाने का। इसका एक और फंक्शन बता ही देता हूँ मैं, जैसे इसमें साइड में ये है ना, ये वाला उठाने वाला, इससे दूसरी साइड में इसमें व्हील है तो बढ़िया आसान से मूव कर सकते हैं इसमें आगे पीछे आप, और पानी भी नहीं गिरेगा। अब सिंपली इसको इस तरह से रख के ना आप इस तरह से घुमा दीजिए जहाँ पर आपने पोछा लगाना, और इस तरह से लगाइए पोछा, ऑलराइट। अब देखो गाइस कितनी आसानी से पोछा लग गया। सो गाइस ये बेड है, बेड के नीचे लगाएंगे। अब देखो सिंपली क्या करेंगे, इसको इस तरह से दबाएंगे, ये बैंड हो जाएगा, उसके बाद आप जो बेड के नीचे भी देखो लगा सकते हैं पूरी तरह से। भाई देख रहे हो, मतलब जहाँ पर आपके हाथ नहीं जाते थे ना, इससे ना आप वहाँ तक पोछा लगा सकते हैं। और देखो इसमें बार बार हाथ भी नहीं करने पड़ते हैं, और बार बार जो उसको साफ़ करना पड़ता था और जो झुकना पड़ता था ना, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी इसमें। बैठ बैठ के जो पोछा लगाते थे, खड़े खड़े आसानी से लगा सकते हैं पोछा, और आप कम टाइम में ज़्यादा स्पेस में जो पोछा आप लगा पाएंगे। आप इसको सीधा करेंगे और फिर से इसको अनलॉक करेंगे, पहले तो अनलॉक करके फिर से इसको स्पिन करेंगे वहाँ पर रख के। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा स्पिन कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका जो साफ करना है, ऑलराइट। अब ये साफ़ हो चुका है, आप फिर से इसको साइड वाले स्पिन में रखेंगे इसको यहाँ पर, और यहाँ पर घुमाएंगे। जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है, अब सूख चुका है फिर से पूरी तरह से, ड्राई हो चुका है। सो गाइज अब बात करते हैं इसके प्राइस की। गाइज ये मिला है 950 रुपये में, 949 इसका प्राइस है, 949 में मिला है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप जाकर देख सकते हैं, अगर मंगाना चाहे तो मंगा लीजिए, और करंट प्राइस भी आप जाकर चेक कर लेना उस पर कितना चल रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। खैर 950 रुपये में वर्थ इट है क्योंकि इसकी जिस हिसाब से क्वालिटी है ना गाइज, इसको मैंने काफ़ी रफली यूज़ करा, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी इसकी अच्छी है, और नीचे यहाँ पर व्हील भी मिल जाते हैं ना यार, ज़्यादातर मैंने देखा कई बार व्हील नहीं मिलते, और दूसरा इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है ना गाइज, ये मूवेबल नहीं मिलता, बहुत कम में मिलता है मूवेबल, ज़्यादातर में सिंपल एक नोब बना रहता है इसके ऊपर, इसको रखना होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है। नो डाउट बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, साथ इसकी 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। देखो स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी इसके अंदर चल रहा है, जो 3 स्टेप है वो फॉलो करने हैं, स्कॉलरशिप अगर मिल सकती है अगर आप एलिजिबल हैं। साथ ही गाइज अगर किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप जो कमेंट कर सकते हैं मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूँगा, साथ ही मुझे कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर फॉलो। तो गाइज इनके जो भी पार्ट्स हैं इसके फाइबर वगैरह और जो इसका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। हेल्पफुल हुई तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।